माशाल्लाह नौमी कुर्बान कलंदर वो माशाल्लाह टॉस जीत गई है और वो फर्स्ट बॉलिंग करा रहे हैं। दोनों टीमों में कोई भी जीते हैं तो भाई बच्चे हमारे। चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब मैं आप सब लोगों से दुआ के लिए कहूंगा कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर रहम फरमाए और जो सियासी इंतजार हैं या किसी इदारों पे हमले और पुरतशद्दुद वाकयात उनकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम कोशिश करना चाहते हैं कि सब पूरा मर रहे हैं हमारे भाइयों हमारे दोस्तों हमारे बुजुर्गों सब पाकिस्तानी बने। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ गए। दोनों तुम सुर्ख रूह होगे, तुम जो करो हौसला जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ। तुम सुर्ख रूह होगे, तुम जो करो हौसला जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम बैटिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत स्ट्रांग है और हम अपने आप में बिलीव रखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि जरा इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी। हमें तुमसे प्यार है, तुम सुर्ख रूह होगे, तुम जो करो हौसला जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो नहीं, बस ये लक है, कल मेहनत की थी तो अल्लाह ने बस उसका सिला दिया है इंशाल्लाह। अल्लाह की बात से उम्मीद है, जिस तरीके से हम लोग एलिमिनेटर राउंड में और हम लोग जिस तरीके से खेलते हुए हमारे लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ थी, हम आए हैं इंशाल्लाह फ़ाइनल तक और दुआ है इंशाल्लाह हम ये फ़ाइनल भी जीतेंगे। रोहित भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और जितने भी फैमिलीज आई उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और इस इवेंट को कामयाब बनाए। देखें आप लोगों से इवेंट हमारा कामयाब है, पहली चीज़ तो ये। और सर दोनों टीमें कुर्बान कलंदर और काबुली बहुत स्ट्रांग चल रही हैं और दोनों का पलड़ा भारी है। तेरा जज्बा और जुनून कायम ये हमेशा रहे, खेल में आगे सबसे हमेशा बढ़ता ही तू रहे। तेरे जुनून के आगे चट्टाने भी रेजा है, हिम्मत और मेहनत को देख के हर एक यही कहे।
बच्चा लोग क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? काबुली। नौवीं भाई जिंदाबाद। कुर्बान कलंदर। हम जो है आज कुर्बान कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। कुर्बान कलंदर जीतेगा इंशाल्लाह। कुर्बान कलंदर। कुर्बान कलंदर इंशाल्लाह। ये नौवीं के बारे में क्यों निकालती रही है कि जीत रहा हूँ? सेलिब्रिटी है ना मुझे शोर, टिकटॉकर, हर तरह से क्रिकेटर माशाल्लाह, ने जीत तो भी इंशाल्लाह। धूम मचा दो, बैंड बजा दो, दुनिया देखे आज, शाहीनों के खून में कितनी जीतने की है आज। धूम मचा दो, बैंड बजा दो, दुनिया देखे आज, शाहीनों के खून में कितनी जीतने की है आज। कुर्बान कलंदर। कुर्बान कलंदर। नौमी कुर्बान। कुर्बान कलंदर इंशाल्लाह। कुर्बान कलंदर। हाँ तो बोल रहे हैं कुर्बान कलंदर जीतेंगे भाई। कुर्बान कलंदर। रव भाई लगता मुझे ये हुए कि आज मैच होगा टफ, क्योंकि कल भी दो मैच बहुत टफ हुए थे और वो भी एक रन से जीते थे, तो आज भी मैच टफ होगा और सामने काबली की टीम भी बहुत टफ है और कुर्बान नोमान वाले तो कलंदर कुर्बान को वैसे ही टफ है, तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कुर्बान कलंदर जीतेगी। और आप सबसे सवाल करता हूँ, आज सारी आवाम बैठी हुई है हमारी, जरा आवाज दें, फाइनल कौन जीता? कुर्बान कलंदर। देखें ये मैं वक्त से पहले बात नहीं करना चाह रहा था, हमारी टीमों का ऑक्शन हुआ है, जब ये ऑक्शन हुआ तो उसमें मैंने अल्लाह के हुक्म से, मेरा तो कोई वो नहीं था, मेरे दिल में एक ही बात आई थी कि नौमी कुर्बान जीतेगा फाइनल, और अल्लाह ने वो इज्जत रखी, वो रब्बे करीम की मेहरबानी है, मेरी तरफ से पहली पेशिन गोई थी और रब्बे करीम ने इज्जत रखी, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखें ये टूर्नामेंट तो माशाल्लाह हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम है माशाल्लाह द मेमन टीवी की, तो अली गोडल और जनाब शमीम साहब और बाकी हमारी टीम ने बहुत ही, यानी आप समझ लें कि बहुत मेहनत की है, क्योंकि टूर्नामेंट को जाहिर सी बात है कवरेज देना इतना आसान भी नहीं होता है,
چار چار کیمرے لگانے اور اتنی محنت کرنی, تو یہ آخر آگے ہی بڑھے گا نا. علی گوڈل نے پیچھے نہیں تو نہیں جانا, آگے ہی جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سب ساتھ مل کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ میمن ٹی وی سیٹلائٹ پہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اور میری دعا ہے اللہ رب کریم سے کہ سیٹلائٹ پہ آئے اور ہماری میمن کمیونٹی کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہو جائے.